नर्मदा सिंचाई योजना के लिए बागली क्षेत्र के किसानों ने राजनेताओं का गांव में प्रतिबंध लगा दिया है। इसी कड़ी में शुक्रवार के दिन चापड़ा के समीप गुराड़िया कला में मंडल कार्य समिति की बैठक भाजपा कार्यकर्ताओं ने आयोजित की थी, जिन्हें सुबह से ही किसानों ने रोड बंद करके नगर में प्रवेश करने से रोक दिया। बागली क्षेत्र में इस प्रकार का विरोध पहली बार राजनेताओं को देखने को मिल रहा है। किसानों ने विधायक सहित सभी पदाधिकारियों को नगर में प्रवेश नहीं करने दिया और बैरंग लौटाया। क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल एवं अन्य पदाधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। क्षेत्रीय विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल एवं अन्य पदाधिकारियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े रहे। वहीं बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों की मांग जायज है और मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूँ। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। जो है लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ऐसे में जो है आपको भी वापस लौटना पड़ा, क्या क्या होता है? मैं वापस आ रहा हूँ, हमारी एक जगह और मीटिंग है उदयनगर में और ये तो मांग जायज है, मैं इन लोगों के साथ हूँ और हूँ, साथ ही नहीं हूँ, मैंने जो करा वो तो कोई भी नहीं कर पाएगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा में बागली की जितनी भी जो योजना की प्रोजेक्ट बनाई है सिर्फ पहाड़ से ही बनाया है और इसके पहले कोई योजना नहीं बनी थी। नहीं, पर जिस तरह की उनकी मांग है कि हाँ, तो अगर उसके साथ होने में योजना तो मेरे क्षेत्र की है और उनको पानी की मांग जायज है, इसलिए मैंने बनवाई और मैं उनके साथ हूँ, उनको पानी मिलना चाहिए। और सर, हमारे जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार के कारण जो है आपका कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा? नहीं, कोई कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, इस तरह का कार्यक्रम होगा? अभी हमको उदयनगर मीटिंग टाइम हो गया, वहाँ पे भी टाइम यही है, इसलिए जब यहाँ विलम्ब हो रहा तो हम थोड़ी देर वहाँ की मीटिंग अटेंड करके फिर आते हैं। द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और नेताओं को, क्षेत्रीय विधायक, जिला अध्यक्ष को प्रवेश नहीं करने दिया गया गांव में, क्या मामला है इसके? जैसे हम नर्मदा योजना के लिए लड़ रहे हैं सभी और हमको हर चक्कर आश्वासन दिया जाता है, इसलिए हमने सभी गांव वाले ने ठाना है कि जब तक हमारा नर्मदा की स्वीकृति नहीं मिलती जब तक हम नेताओं किसी को भी प्रवेश नहीं करने देंगे। क्या यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया था नेताओं द्वारा? हाँ, आश्वासन दे के गए, क्या बोला क्या है? नहीं, हम 15 रोज में तुम्हारा सिक्योरिटी दिला देंगे। फिर आप, फिर किसानों का क्या रहा? किसानों ने और उनको बोला कि इसकी जवाबदारी कौन ले रहा, तो उनने, हमारे पहाड़ सिंह जी भी विधायक साहब वो भी थे और उनने बोला कि मैं इसकी सिक्योरिटी दिलाऊंगा और एक और अध्यक्ष भी आए थे, उनने भी हमसे बोला कि मैं अगर नहीं दिला पाया तो मैं आपके साथ हूँ और आपके साथ मैं लड़ूंगा। क्या आगे भी आंदोलन इस प्रकार जारी रहेगा? नहीं, हमेशा ये आंदोलन हमारा चलता रहेगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे किसी को भी जब तक मान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।